वालेकुम दोस्तों जी, मौजूद हूँ जी मैं अब्दुल्ला मोटर्स पर, और यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी ही साफ हालत में जो है मुझे GLI नज़र आई है। बड़ी ही मुनासिब कीमत में ये गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये गाड़ी का रिव्यू आप लोगों को करवाएंगे आज की वीडियो में, और एक जो है हमारे पास सुजुकी एवरी है वो दिखाएंगे आप लोगों को। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन का निशान है उसको ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन होते हैं वो आप लोगों को मिल सके। तो चलें जी आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों ये जो GLI है ये 1.3 है, 2015 मॉडल है जी ये, और इसकी जो कंडीशन है आप लोग देख सकते हैं जी, बिल्कुल साफ़ गाड़ी है। और जो है हल्की फुल्की इसमें जो है ये टचिंग है, स्प्रे की गई है, वो भी जस्ट स्क्रैचेस वगैरह को छुपाने के लिए, कोई ज़्यादा डैमेज अगर जो होता है तो उसके लिए इसको स्प्रे नहीं किया गया हुआ। जस्ट इसमें जो है दो पीस टचिंग है, दो से तीन पीस, बाकी इसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह साफ हालत में। इस गाड़ी का जो बम्पर है ये मौजूद है, और जो लाइट्स वगैरह हैं ये भी बिल्कुल ओके हैं। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों। बाकी इसकी आप लोग देख सकते हैं जो बोनट है इसका, इसका डेंटलेस बोनट है, स्क्रैचलेस बोनट है, देख सकते हैं माशाल्लाह साफ हालत में इसका बोनट। अगर हम टायर्स देखें तो टायर्स में देख सकते हैं अलॉय रिम लगे हुए हैं, और टायर्स की जो कंडीशन है 100 में से 80% जो है गाड़ी के टायर्स मौजूद हैं। बाकी इसकी साइड आप देख सकते हैं कि कोई भी स्क्रैच, कोई भी डेंट आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं जी इसका ही पीछे वाला जो टायर है ये भी बिल्कुल फ्रेश है, और इसके जो बैक साइड से लुक है गाड़ी की ये भी आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल माशाल्लाह साफ हालत में गाड़ी आप लोगों को नज़र आएगी। देख सकते हैं कि बैक पे जो है इसका जो रेयर कैमरा है ये मौजूद है जी, और इसके अलावा जो इसका बैक बम्पर है ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है। तो गाड़ी हमने बाहर से दिखा दी आप लोगों को, अब जो है इसका अंदर से जो रूम है वो आप लोगों को दिखाते हैं जी। तो ये है इसका अंदर से रूम, ये इसके आप देख सकते हैं बोनट की सीले, जो डोर है उसकी सीले और गद्दे वगैरह डोर के देख सकते हैं। और ये है इसका अंदर से डैशबोर्ड, डैशबोर्ड देखें तो जो गियर ट्रांसमिशन है इसमें ये मैनुअल है क्योंकि 1.3 है ये, बाकी इसकी LCD लगी हुई है। AC हीटर इसका बिल्कुल चिल्ड है दोस्तों, और इसकी जो सीट्स हैं, सीट्स आप देखें जो बिल्कुल न्यू सीट्स गाड़ी में मिलेंगे आप लोगों को, न्यू सीट्स हैं जिसकी आप लोग देखें, चारों जो सीट्स हैं इसकी, पांचों सीट्स ये बिल्कुल न्यू है। और इसके अलावा अंदर से जो इसका छत है ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है, और ऊपर से अगर हम इसका छत देखें तो ये भी बिल्कुल नीट हालत में मौजूद है। तो दिखाते हैं अब इसका जो इसकी जो ट्रंक है और इसका जो इंजन है वो दिखाते हैं, और फिर इसकी जो डिमांड है वो बताते हैं कि इसकी डिमांड यहाँ पर क्या की जा रही है। ये तो जो इसका ट्रंक है ये मैंने ओपन किया है, तो ये देख सकते हैं इसके बैक रूम की कंडीशन। ये इसकी डिक्की है, ये डिक्की की सीलिंग वगैरह आप लोग देख सकते हैं, ये इसका हौदा है नीचे, तो ये देख सकते हैं जी ये स्टफनी वगैरह मौजूद है। हौदा इसका तकरीबन ठीक है, साफ़ हालत में, कोई भी जंग वगैरह नहीं है इतना ज़्यादा। दिखाते हैं आप लोग इसका इंजन, तो इंजन जो है इसके लिए मैंने इसका जो बोनट है ये मैंने पहले ही खोला हुआ है। तो ये इसका इंजन आप लोग देख सकते हैं जी, 1.3 इसका इंजन है, 1300 CC गाड़ी है जी ये GLI, और इंजन इसका मैकेनिकली बिल्कुल ओके है, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। कुप्पे वगैरह इसके देख सकते हैं बिल्कुल ओके हैं, जो फ्रंट पट्टी है ये भी इसकी बिल्कुल साफ हालत में है, और जो बोनट की सीले हैं ये भी बिल्कुल ओके हैं, जेन्युइन हालत में है दोस्तों। तो गाड़ी जो है ऑल ओवर आप लोगों को मैंने दिखा दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ गाड़ी की ओके है, क्लियर है। तो अब्दुल्ला मोटर्स पर यह गाड़ी खड़ी हुई है, अभी इसकी डिमांड बताते हैं कि इसकी जो डिमांड है यहाँ पर यह क्या की जा रही है। जी तो दोस्तों इसके जो डिमांड है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 22,25,000 इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। तो इनका जो नंबर है ये स्क्रीन पर चल रहा है दोस्तों, अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इनसे रब्ता कर सकते हैं, और इस गाड़ी के बारे में मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं, और प्राइस निगोशियबल है, कमी पेशी हो जाएगी, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। गाड़ी माशाल्लाह बड़ी ही साफ़ हालत में और मुनासिब पैसे में आप लोगों को मिल जाएगी। ये तो दोस्तों जो नेक्स्ट है हमारे पास गाड़ी है 16/21 मॉडल सुजुकी एवरी है जी, और बिल्कुल साफ़ हालत में, हल्की सी जो है इसमें टचिंग है, हल्की फुल्की ये गाड़ी जो है इसमें टचिंग है, बाकी ये गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है जी। 21 मॉडल है, 16/21 मॉडल, और अभी तक ये जो गाड़ी है ये अनरजिस्टर्ड है, जिसको जो है नंबर नहीं लगा हुआ। बाकी इसका अगर हम फ्रंट देखें तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में फ्रंट है इसका, कोई भी स्क्रैच या डेंट वगैरह जो है इसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह टायर्स अगर हम देखें तो टायर्स जो हैं इसके तकरीबन बिल्कुल साफ़ हालत में जो आप लोग टायर नज़र आएंगे। साइड अगर हम देखें तो कोई भी आप लोगों को साइड पे स्क्रैच वगैरह या डेंट वगैरह गाड़ी में ज़रा सा भी नज़र नहीं आएगा। दिखाते हैं आप लोगों को इसकी बैक साइड, तो बैक साइड से भी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ हालत में गाड़ी है दोस्तों, 16/21 मॉडल है ये। और इसका जो है अंदर से रूम दिखाते हैं आप लोगों को, यह है इसका फ्रंट रूम, देख सकते हैं जी इसमें जो गियर ट्रांसमिशन है ये ऑटोमेटिक है, ये इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं, नीचे मैटिंग वगैरह, सीट्स वगैरह देख सकते हैं,
बिल्कुल साफ हालत में जो है गाड़ी की सीट्स हैं, और अंदर से जो इसका छत है ये भी बिल्कुल साफ हालत में ही है। डोर के गत्ते वगैरह सीले वगैरह देख सकते हैं कि बिल्कुल ओके हैं। दिखाते हैं इसका जो बैक रूम है, ये इसका डोर देख सकते हैं बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ये इसकी देख सकते हैं बैक सीट्स, पीछे वाले जो सीट्स हैं इसकी ये भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये जो है इसकी स्पेस ये खाली है, तो इसके ऊपर भी मेरी सीट्स होती है लेकिन मेरे ख्याल से वो मौजूद नहीं है अभी। तो बाकी जो है कंडीशन इसके ऑल ओवर देख सकते हैं, तो भी बताते हैं इसकी डिमांड आप लोगों को कि इसकी जो डिमांड है यहाँ पे क्या की जा रही है। ये तो दोस्तों इसकी जो डिमांड है ये अब्दुल्ला मोटर्स पर जो की जा रही है, ये की जा रही है जी 16,50,000 रुपये इसकी जो डिमांड की जा रही है। प्राइस निगोशियबल है, कमी पेशी हो जाएगी। अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर जो है इनका नंबर चल रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये दोनों गाड़ियाँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी थी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।